अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हों आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं चीज़ी क्रीमी पार्सल चिकन पॉकेट। ये रेसिपी बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, और बहुत ही टेस्टी और यम्मी पार्सल बनते हैं ये चीज़ी और क्रीमी से। आप इसे एक बार इफ्तारी में ज़रूर ट्राई करें। और इसे हम किस तरह फ्रीज करेंगे, स्टोर करेंगे, ये तरीका भी हमने बताया है। यहाँ पर हमने 100 ग्राम चिकन लिया है। बहुत ही कम चिकन में हमने 20 पार्सल बनाए हैं, चिकन पार्सल। यहाँ पर हमने ऑयल ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टी स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट। अब हम यहाँ ग्रीन चिल्ली पेस्ट ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून हमने ऐड की है, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर चिकन ऐड कर देंगे हम 100 ग्राम। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे टुकड़े काट लिए थे, छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। कैची से ही कर लिए है हमने इसे घर पर ही, बोनलेस चिकन के। अब हमें इसे पका लेना है मसालों के साथ। यहाँ पर आप अदरक लहसुन ग्रेट करके भी ले सकते हैं, ग्रीन चिल्ली को भी आप बारीक काट कर भी ले सकते हैं। सॉल्ट ऐड करेंगे हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग, और चिकन के सॉफ्ट होने तक हम इसे पका लेना है। अच्छी तरह भून लेंगे हम इसे। इसके बाद हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला, चाट मसाला और भुना हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे हम दोनों को, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे मसालों के साथ। इसे अच्छी तरह से भून लेना है और चेक कर लेना है चिकन को। अभी चिकन बाकी है, इसलिए हम ढक कर इसे पका लेते हैं। यहाँ पर हमने वाइट पेपर ऐड कर दिए है 1/2 टीस्पून। पाउडर बनाकर ऐड करेंगे, ये इसे कूट कर ऐड कर लेंगे हम। बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट आता है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। ये देखिए, चिकन यहाँ पर सॉफ्ट हो चुका है, गल गया है, अच्छी तरह कुक हो गया है चिकन। इसके बाद हमने इसमें प्याज ऐड की है, और इसे हल्का सा ही हमें पकाना है, प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है। इसके बाद हम बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। एक शिमला मिर्च ले लेंगे हम, छोटी वाली। 1/4 कप हमें स्वीट कॉर्न ऐड कर देने हैं। यहाँ पर हमें सब थोड़ा थोड़ा ही लेना है चिकन के हिसाब से। 1/4 ही हमें शिमला मिर्च भी लेनी है बारीक कटी हुई, और सबको हम मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है। ये देखिए, यहाँ पर हम मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। इसके बाद हम इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। ये देखिए, अमूल की चीज़ ऐड कर दी है, चीज़ सॉस 1 टेबल स्पून, ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम मेयोनेज़ ऐड कर देंगे। ये देखिए, मेयोनेज़ को हमें 3 से 4 टेबल स्पून ऐड कर देना है। यहाँ पर हमने क्रीम भी ऐड कर दी है 2 टेबल स्पून। अब हमने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है, इसे भी हम मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। ये देखिए, चीज़ी क्रीमी सी फीलिंग रेडी है चिकन की, चिकन पार्सल बनाने के लिए। अब हम यहाँ पर समोसा पट्टी ले लेंगे हम, जो रेडी तैयार मिलती है आप वो भी ले सकते हैं, ये हमने घर पर ही बनाई थी। आप इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर देख सकते हैं, समोसा बनाया था जब हमने। आप इसे मैदा और आटा दोनों मिलाकर भी बना सकते हैं, और जितनी पतली चाहे आप उतना बना सकते हैं इसे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे काट लिया है। ये मैदा और आटा मिक्स करके बनाया है, और हमने जो समोसे की बनाई थी वो हमने सिर्फ मैदे की बनाई थी। ये देखिए, इस तरह हम 2-2 इंच की पट्टी काट लेंगे, इससे बहुत ही अच्छे पॉकेट्स बनेंगे। इस तरह से हम टिश्यू पेपर में इसे रख देंगे। ये देखिए, अब हमने ये फीलिंग ले ली है, ये ठंडी भी हो गई है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सॉस ऐड कर देंगे, इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे साइड में रख देते हैं, और ये हमने आटे का घोल बना के ले लिया है।
ये देखिए इस तरह से आप समोसा पट्टी पहले रख दीजिए। अब इसके ऊपर एक और एक समोसा पट्टी हम रख देंगे इस तरह से। अब हम ये जो फिलिंग हमने बनाई थी ये फिलिंग हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन की। ये देखिए बहुत ही थोड़ी ही ऐड करते हैं तो ये पैकेट बन जाता है इसका। ये देखिए एक चम्मच ही हमने ऐड की है। यहाँ पर हम मोज़रेला चीज़ भी ऐड करेंगे, बहुत ही चीज़ी और बहुत ही अच्छे बनते हैं। यहाँ पर आप इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, पिज़्ज़ा जैसा फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, उस तरह भी आप बना सकते हैं। ये देखिए हमने आटे का घोल इस तरह से लगा लेना है ब्रश से, या आप इसे इस तरह से ब्रश से लगा लीजिए। अब हम इसे एक तरफ से इस तरह से दोनों तरफ से पलट लेंगे। अब हम दूसरी साइड से, और ये चारों तरफ से हमने इसे इस तरह से पैक कर दिया है। अच्छी तरह से ये पैक होने चाहिए कोनों में से, ताकि चीज़ मेल्ट होकर बाहर ना निकले। ये देखिए दूसरा भी हम इसी तरह से बना लेंगे, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ये घर पर। ये देखिए 20 तो आराम से बन जाएंगे आपके चिकन पार्सल। आप यहाँ पर चीज़ बिना के भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं वो भी। ये देखिए हमने बिना चीज़ के भी इसे बनाकर देखा था, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको चीज़ पसंद है तो आप यहाँ पर चीज़ की स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं और मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से हमने इसे बनाया था और बहुत ही टेस्टी बने थे ये। अब हम इसे फ्रीज करने का तरीका भी बता देते हैं। ये देखिए इस तरह से आप बना कर ले लीजिए, आप इसे 15 दिन तक के फ्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम एक कंटेनर ले लेंगे, आपको जो भी लेना है बड़ी साइज़ जितना भी आपको लेना है ले सकते हैं। और बटर पेपर इस तरह से हम इसमें रख देंगे और इसके ऊपर भी हम ये रख देंगे पार्सल, चिकन पार्सल। इस तरह से आप फ्रीज कर सकते हैं इसे 15 दिन के लिए। अब आप इसे जब भी मन हो निकालें और फ्राई करके बनाएं। आप इसे जिप लॉक बैग में भी पैक कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से निकालें और बनाएं, फ्राई करें और इफ्तारी करें। यहाँ पर आपको बटर पेपर ज़रूर रखना है, नहीं तो ये चिपक जाएंगे। यहाँ पर आप प्लास्टिक की शीट भी रख सकते हैं। अब हमने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करके ले लिया है, यहाँ पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम लो कर देनी है, ऑयल गर्म हो गया है तो मीडियम लो पर हमें इसे फ्राई करना है। बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। सभी को हम अलट पलट करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा कलर आने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए अब इसमें अच्छा सा कलर आ गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। वाओ बहुत ही अच्छा सा कलर आया है, ये देखिए। अब हम इसे निकाल लेते हैं टिश्यू पे। ये देखिए चिकन पार्सल बनकर रेडी है फ्रेंड्स। आप भी इसे बनाएं और इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।